दोस्तों, दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है, वो बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दान का अर्थ ये नहीं है कि जो वस्तु आपके काम की ना हो, यानी कि उपयोग करने के लायक ना हो, उसे दान कर दिया जाए। ऐसा दान माने नहीं होता। दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जा सकता है, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, कभी भी दान किया जा सकता है, पर कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिसमें यदि दान किया जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस समय पर कौन सा दान करना आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। दोस्तों, पहली चीज़ है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। नमक ढेले वाला होना चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया है और आपको लगता है कि अब बात नहीं बनने वाली है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हो, या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता हो, या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते में मधुरता आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। दोस्तों, व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं दे पाता। जानकारी के बाद भी वो वहाँ से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। आप काले तिल या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो वो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा, उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझ लेना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार, यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करें। दोस्तों, ऐसा दान करने से आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी भी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार आने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां
का दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफ़ेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करने का होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियों में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या दान ना करें। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान करना नहीं चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, भोजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना ही है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दे देते हैं। बासी भोजन जो अगर ख़राब हो गया है, ऐसा भोजन आप अगले दिन सुबह उठकर अगर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, नंबर दो, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुबह के समय अनाज का दान करना सबसे उत्तम है, पर अनाज का दान करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, जो आपको तीन बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर श्रद्धापूर्वक दान समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो करते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही दान करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इसी के साथ आपको इस मंत्र को मन में पढ़ना है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा कि आपको प्राप्ति हो सके, आपको धन दौलत मिल सके। दोस्तों, नंबर तीन, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम के वक्त तांबे का दान आप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।